हजरत मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब के बाद हजरत मौलाना शिबली बहराइची साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم। حضرات اگرامی, गुजारिश है कि बीच बीच में जगहें खाली हैं, आप हजरात आगे बढ़ के जगहें पूर फरमा लें। थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, यहाँ तक अल्लाह हज़रात को जज़ाए ख़ैर अता। आए होंगे कम से कम दो चार किलोमीटर, एक किलोमीटर चले होंगे, दो चार कदम और चल लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। खुदावंद कुद्दूस सबको कबूल फरमाए। बहुत मुख्तसर वक्त है और मेहमानाने किराम बाकी हैं, सबको आपको सुना, कुछ को सुन चुके हैं और अभी बाकी हैं, लिहाजा सबका हक है थोड़ी देर गुफ्तगू करना है। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, यहाँ तक बिस्तर बहुत अच्छा, आगे बढ़ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ करीब तक आ जाइए, हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ लीजिए। बिरयानी की बात होती तो पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ता, सब आ गया, बिरयानी कहीं और है, बैठना यहाँ थोड़ा सा। हाँ, एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाते आप हजरात ने नात तो मनकबत और हमद और नजम वगैरह खूब सुन रखी, तो उसका तो मौका भी नहीं। एक शेर में कहा करता हूँ बराबर कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अबरे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अबरे रहमत की बरसात होगी। हजरत गिरामी, कुरान अजीम की आयत का टुकड़ा मैंने तिलावत किया है। अब समझ जाओ, जब टुकड़ा तिलावत किया है आयत का तो कितना मौका है, इसको आप समझ लीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, जिसने बात मानी अल्लाह की और बात मानी अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ने फरमा फकद फाज फौजन अजीमा, तहकीक की वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। एक बात, अरे बोलो भाई, और शुरू में कुछ अर्ज करता हूँ, एक बात तय करो, अल्लाह की बात है इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा अमल करेंगे। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बेशक कान और आंख और दिल तीनों चीजों के बारे में पूछा जाएगा, ये गुनाह तो बिल्कुल आम हो चुका है, आंख और कान वाला गुनाह भैया, अरे बोलो है कि नहीं, बहुत सीधे न बनो, चकड़ सब हैं, इतने सीधे नहीं।
जिसको देखो बूढ़ा आदमी मोबाइल में गांठे पड़ा, जिसको देखो कोई जा रहा है इधर उधर उधर अपनी नजर डाले पड़ा, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आंख भी जिना करती है, किसी पर नजर डालना आंख की जिना का गुनाह रखता है, इसी तरह मोबाइल पर तस्वीरों के देखने पर भी आंख की जिना का गुनाह बराबर पड़ता है, कोई कम और ज्यादा नहीं, कोई कटौती नहीं है इसमें। ये बात ना करो, हम कहीं तो 10 मिनट कर लें, कोई गुफ्तगू ना कीजिए, हम अपना टाइम देख चुके हैं, आधा घंटा कहा गया उतने बयान करेंगे, और हक भी नहीं है, मेहमान दूसरे, हम तो करीब के हैं, इसलिए हम किसी का हक लेना भी नहीं चाहते हैं, बस इतना समझिए, और तय करो किसी का हक कभी नहीं लेना, बड़ा घपला है इसमें, अगर किसी का हक लिया तो बच, लेकिन जब रिश्तेदार सीधा मिल जाए तो बहाने से ठग के पूरा सामान ही उठा लाओ, जैसे बड़े लोग भैया आप कहना नहीं चाहते हैं लेकिन लोग होते बड़े चकड़ हैं, टाइम मांगता है कौन, लड़का वाला नहीं मांगता, जुगाड़ू बहुत है, चालाक भैया, अगर ऐसा कोई आदमी तो नाराज ना होगा, इसलिए हम बड़ी आसानी से कहना चाहते हैं, आदमी चाहता किसी का हक ऐसी आसानी के साथ ले ले जाते हैं, जब लड़की लाएंगे साथ में सामान भी लाद लाएंगे, क्या बहाना करेंगे, बीच में एक दलाल को तैयार कर लेंगे, 2-4, 500 रुपया, 1000 रुपया दे देंगे, दलालों खाली पाने पुकार पे चला जाता है, और जाके खूब बड़ी बड़ी तारीफ हांकता, कहां रिश्तेदार के दरवाजे पर जाके बताएगा लड़की के बाप को, फलाने क्या रिश्तेदार आए हुए थे, बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़ा बड़ा सामान देने का वादा कर रहे थे, कोई नहीं आया, झूठ बोलता है, चोर है भैया ये, पूरा बेईमान है, समझो आप, बुरा ना मानिएगा, जाके गांठ गुड़ करके उधर से फीट कर दिया, उसने अपना पता चला भैंस बेच दी, सामान बेचा, जिसके पास खेती थी उसने खेते बेच दिया, कभी जेवरात बेचा, न जाने कौन कौन सा जतन किया, कितना किया है उस बेईमान को देने के लिए, तो लड़का वाला टाइम नहीं मांगता, लड़की वाले को टाइम दिया करता, टाइम मांगना किसको चाहिए था, हम लंबी बात, हमने इतना ही कहा था कि हक कौन किसका लेता, भैया इनको भगाओ जरा, ये वही वाले तो नहीं, बर्बादे गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी, 3-4 हैं इधर, भैया इनको भगा दो बस, दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगे किसी भेड़िया ने दौड़ा लिया, तो वाह या अल्लाह, समझे नहीं समझे आप, तो बहुत पूरी तवज्जो के साथ आप सुन लो, आदमी बड़ा जुगाड़ लगाया करता, लड़की के घर वालों को टाइम दे दिया करता, किसको टाइम देता है, और देता कौन टाइम है, लड़के वाले चकड़ तो होते ही हैं, तो ये लड़की के घर वालों को, लड़की के बाप या कोई जिम्मेदार हो, भाई हो, चचा हो, दादा, कोई जिम्मेदार हो, तो उसको टाइम देते हैं, भाई साहब आप 4 महीने का टाइम ले लीजिए, और चालाक बहुत, इतना चालाक है, सिर्फ तुम नहीं है बाकी सब है, चालाक बहुत है ये समझता मैंने बहुत कायदे से जुगाड़ लगाया है, अब इसको कोई समझ, मैं समझता हर कोई है, आजकल कोई ना समझ नहीं है, छोटा बच्चा भी समझता है, इसने जुगाड़ लगाया, पता चला लड़की के बाप ने भैंस बेच डाली, जमीन बेचा, कर्जा हो गया, इधर उधर से बेचारा ठग ठगा के आया, जब सारा इंतजाम कर लिया, 2-4 लाख का सामान तैयार कर लिया, अब लड़का वाला बोलता है भाई साहब आपको लाने की क्या जरूरत थी, हम तो समझो और पूरा चकड़, पहले नहीं बोला, उलमा बैठे हैं, मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा, इतना आप समझ लीजिए, ये टाइम लड़की वालों को नहीं चाहिए था, लड़के वालों को चाहिए था, जो सही मसला है, सही सुन्नत और सही तरीका है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़ी बेबाकी से कदा दर्ज करता हूँ, ये जिम्मेदारी लड़के वाले की थी, लड़के का कोई जिम्मेदार होता, बाप होता, कोई बड़ा भाई जिम्मेदार होता, या लड़का अपने पैर पर होता, वो कहता तो हमको आप टाइम दीजिए, आपको टाइम की कोई जरूरत नहीं है, आप हमको टाइम दीजिए, हम कमरा दुरुस्त करवा लें, सामान ले आए, बेड लाए, और उसके अलावा फ्रिज लाए, कूलर लाए, जो भी जरूरियात के सामान, सारा सामान लाए, यहाँ तक कि कुकर लाए, प्लेटे, सारा सामान हम ला के मुहैया कर लें, जब सब कुछ हो जाए तब हम आपके यहाँ, उसके बाद निकाह करवा के चुपके मस्जिद से आपकी लड़की को अपने घर ले आएंगे, जरूरत तो इसकी थी, और सही सुन्नत और सही तरीका इतना ही है, लोगों ने उल्टा किया है,
जा जाके बड़ा बड़ा कपड़ा पहन करके दावत खाते हैं, कहां लड़की वाले खाना जायज ने किसने बताया जायज है। वलीमा सिर्फ एक दावत का नाम है, जब लड़का बीवी लाए रात गुजर जाए उसके बाद जो दावत करे सिर्फ इसी दावत का नाम वलीमा है। उसमें कर्जा वर्जा नहीं, जितनी आपकी हैसियत हो इससे ज्यादा, अरे बोलो इससे ज्यादा। बहुत लोग कहते हैं, लोग हमको समझे बहुत बड़ा आदमी है तो करते हैं बड़ी बड़ी दावत, पहुंचते हैं पूरा मैरिज हाल ही बुक कर लेते हैं, एक एक लाख का किराया देते कहां मैरिज हाल का। और समझते हैं कि लोग, एक साहब ने मुझे भी दावत की थी कुछ ही दिन गुजरे हैं, तो कहा आप आए बड़ा एहसान हो, मैं कुर्सी पर बैठ कर मैं देखता रहा कि इतने बनबिलार इसमें है, यही देखता रहा, चल चल के टहल टहल के इधर खाया उधर फेंका उधर, अरे पूरे बकरे नाज कर दिया। तो कहा कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी इतना मैंने सवाब, तुमने कहा सुनो भाई है कल्याणपुर के आसपास, नाम ले लेंगे कौन लफड़ा पाले भी लगे। तो कहा अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैंने बहुत बड़ा सवाब, तो मैंने कहा सुनो आपने गुनाहे किया सवाब हुआ इसमें नहीं मिला। पूछा काहे, मैंने कहा आपने मर्दों औरतों को इकट्ठा किया है, चल चल के खाते हैं खाना फेंकते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुलू अशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो ज्यादती ना करो इसराफ ना करो, कितना खाया कितना फेंका, यानी 100 लोगों के खाने की जरूरत थी 300 का खाना बर्बाद किया है, और उसके बाद कहते हैं सवाब मिल गया। मैं नहीं बोलूंगा, अल्लाह से पूछो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वह जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को यतीमों को कैदियों को खिलाएंगे ऐसे लोग सवाब के हकदार है, अल्लाह के उनको सवाब मिलेगा मकाम मिलेगा। अरे बोलो है कि नहीं। और छांट छांट करके वो जो होते हैं ना वहां, तो आप समझ नहीं पाओगे किधर के, जब वो जाते हैं वहां वो चलने वाली जगह पर जो काफी दूर तक उसका फैला होता, हम और ज्यादा नहीं कहना चाहते, तो उसमें जब जाते हैं तो समझो नवाब आसिफ दौलत खानदानी है सब, और घर के मरभूखे भैया बुरा ना मानिएगा, घर में आधा किलो बकरा में 6 लोग खाते हो 15 दिन में एक बार लाते भैया आप ज्यादा कहलाओ ना, और वहां पहुंच करके पूरा नाश कर देते हैं और लगेगा कि बिल्कुल बहुत अमीर है पूरे पटीचर, क्या ऐसा किया जाता है। सवाब आपने का भाई सवाब तो नहीं मिला, गुना आप जानो, आपने 3 लाख खर्च कर दिया है इधर उधर रायगा करने में, अगर इस 3 लाख में 2-4 गरीब बच्चियों की शादी करवा देते जन्नत के हकदार होते। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह रुकी हुई थी, आप कुछ मस्जिदों में पैसा देते इमामों की तनख्वाहें हो जाती है आपको सवाब मिलता, कहीं मदरसा चलता है मुदरिस की तनख्वाह नहीं होती सवाब, आपने सारे सारा नाज कर दिया सवाब एक कौड़ी नहीं मिला, गुना आप जानो। ये करने की आदत है और करते काहे के लिए, ताकि समझे फलाने बहुत बड़े आदमी बहुत अमीर आदमी। हमें तारीफ कोई नहीं करेगा, तारीफ उसकी होती है जो अल्लाह के हबीब की गुलामी करे इत्तबा करे, और इसके बाहर कोई तारीफ वारीफ हाँ। और ये फूले पढ़े वो तो बहुत कुछ पहनते फूले बिल्कुल, तो बहुत भाई साहब से बहुत समझते हैं कि हमारी सब तारीफ फूल के बिल्कुल गुब्बारा हो गए भैया फूलो उलो ना, तारीफ कोई नहीं करेगा, कसम है रब्बे काबा की, अगर तारीफ है तो मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है, गुलामी से अलग होकर के कोई तारीफ वारीफ। कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए तो उस पे आतिश दोजख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोजख हराम हो जाए। तो जुगाड़ ना लगाओ भाई, दूसरों का हक लेकर जुगाड़, समझ गए भैया नहीं पीछे वाली बात, दूसरों को हक, दूसरों का हक लेने का जुगाड़, हक अदा करने का जुगाड़ सोचो, लेने का जुगाड़। तो आप तय कर लीजिए इस बात को, हर आदमी होशियार है चालाक है समझता बहुत है, वो समझता है कि लड़की के बाप का ये हक है कि बच्ची को सारा सामान लाद कर हमारे घर, अरे बोलो है कि नहीं।
और है किसके जिम्मे? ये सारा इंतजाम लड़के के जिम्मे, लड़के के घर वालों के जिम्मे है। सारा सामान जब मुहैया हो जाए, तारीख तय कर लें कि फला तारीख हम आते हैं और आपकी लड़की से निकाह करवा के अपने घर लाते हैं, इंतजाम सारा हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा लड़की के घर वालों का खर्च 1000-1500-2000 हो जाए तो बहुत, इससे ज्यादा लड़की के घर वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। खिलाना जिम्मेदारी लड़के के घर वालों, अपने घर से खा के जाओ, वहां चाय पी लेना, निकाह करवा के आओ। सब उल्टा करते हैं कि दूसरों की जेब खाली हो जाए, हमारे पर कोई फर्क। ऐसा एक दिन तो खुश हो जाएंगे, पूरे नवाब लगा बहुत बड़े आदमी, पूरे इलाके के सबसे अमीर आदमी, और दो चार रोज के बाद मिले, भैया भाई साहब कहते बताओ, अरे क्या बताओ, पूरे लबलब बने घूमते हैं। उसके बाद कोई दो कौड़ी, भाई साहब आपने बड़ी शादी की थी, आप बहुत गांठ के लगे, कोई खुश हो? तय करो, अगर ऐसा किया है तो झेलना पड़ेगा। एक दिन की खुशी 40 साल आपको गम में रखेगी। अरे कम से कम शादी के बाद 40 साल 35 साल 50 साल साथ रहता, एक दिन की खुशी न जाने कितने दिन गम में लगा दे। तय करो ईमान वालों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मानेंगे अपनी मनमानी। तो मैंने एक आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक आंखें और कान, यानी कान और आंखें और दिल, तीनों चीजों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा, हर बंदे को इसका जवाब देना पड़ेगा। तय करो इसकी हिफाजत करेंगे। सोचते हैं मोबाइल पर देख लेते, कोई इसमें गुनाह नहीं है, उलमा बैठे, सही मालूम कर लो। जिस तरह ऐसे जिंदा औरतों की तरफ नजर डालने में आंख की जिना का गुनाह है, इसी तरह तस्वीरों पर भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। इस तरह से और आका ने इरशाद फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है, पहले नजर जाती है, फिर तवज्जो जाती है, फिर आदमी गुनाह पर आमादा होता है। सबसे पहले नजर खता करती, बोलो इससे बचेंगे इंशाल्लाह। हजरते गिरामी, मैंने कुरान मजीद की आयते करीमा तिलावत की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युतिअल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा। जिसने बात मानी अल्लाह की और बात मानी अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर हर मामले के अंदर, हर बात के अंदर अल्लाह ने फरमा, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। कारोबार के अंदर, लेन देन के अंदर, किसी का कर्जा अपने जिम्मे न रखो, अदा कर दो पहले पहले। हमारे आका अलैहिस्सलाम कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, और रिवायत में है कि मरने वाले का कर्जा खुद सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे, और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाते थे। कर्जदार होना बहुत बुरी बात है। अरे बोलो भाई, बहुत बड़ा जुर्म है कर्ज, और किसी का हक न लो, किसी का हक धोखा ना करो, धोखा से इस्लाम ने मना किया है। और नाप तौल में घाटा ना करो, नाप तौल में कमी ना करो, मैं नहीं बोलता, अल्लाह की बात है ये। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग बर्बाद हो जाएं, जब लोगों से लेते हैं नाप या तौल कर तो पूरा पूरा, और जब लोगों को देते हैं, वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, जब लोगों को नाप या तौल कर देते हैं तो उसमें कमी कर लिया करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग बर्बाद हो जाएं, अल्लाह ने फरमाया है बर्बादी की बात, किसने कहा है भाई? और अल्लाह कहते बर्बाद हो जाएं तो कामयाब होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो भैया आप तमाम हर तरह के हजरात हैं तो हम क्या बता दें, किसी को कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन अल्लाह की बात है। कौनैन के रुशदो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुशदो हिदायत
का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब दूध नाप कर दिया तो पूरे पूरा देना चाहिए, कपड़ा नाप कर दिया तो पूरे पूरा देना चाहिए। एक बड़ा जुगाड़ू आदमी मिला, कहा मैं 60 रुपए मीटर कपड़ा बेचता हूँ और खरीदा भी 60 है। मैं तो मैंने कहा इसमें भी कोई जादू, कोई कमाल, कोई करामत है क्या? कहा तुम नहीं समझ पाओगे मौलाना, है इसमें भी नफा। तो मैंने कहा इसमें नफा तो भाई समझ से बाहर है। तो कहा तुम समझ नहीं पाओ, मैंने कहा जरा समझा दो भाई। मैंने 2-3 बार पूछा तो उसने बताया सुनो मौलाना इसमें एक जुगाड़ है। मैंने कहा कपड़े में कौन सा जुगाड़ है भाई, नाप कर लाए हो, नाप पर आप दोगे, कपड़ा काट करके इसमें कौन सा जुगाड़, 60 रुपया मीटर खरीदा, 60 ही में बेचा, इसमें कौन सा जुगाड़। कहा समझ नहीं पाओगे, है बड़ी अंदर की बात। मैंने कहा अब बता दो। तो उसने कहा जब मैं मीटर पे कपड़ा रखता हूँ ना, मीटर वो वाला होता है जो लोहे का होता है, कहा उस पर जब मैं कपड़ा रखता हूँ तो चुपके से सरका देता हूँ, 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर मिलेगा, 10 इधर का हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो हराम है भैया, पीछे से जरा पर्दे के पीछे जरा इनको चुप कर दो, चाहे इनको एक एक लड्डू कहीं से लाके दे दे बेचारे। दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, आधा घंटा का टाइम था, आप ज्यादा वो न कीजिए वरना ये भी चला जाएगा। समझे नहीं समझे आप? उसने कहा मेरे पास जुगाड़, जब मीटर पे कपड़ा रखता हूँ कपड़ा जरा खिसका दिया करता तो 1 मीटर नापेंगे मिलेगा कितना कपड़ा, 10 सेंटीमीटर, हर मीटर में फायदा मिलता है। कहा ये हमारा फायदा, मैंने कहा ये हराम है। आप कह देते कि कपड़ा जो भी हो हम इसको 70-75 रुपया 80 रुपया मीटर में देंगे, नफा लेना जायज है, धोखा इस्लाम में हराम। तो दूध वाले हजरात भी कहीं खफा ना हो जाए, एक बात आप मेरी सुन लो। बहुत लोग जुगाड़ से, मैंने उसको देखा था बहुत बचपना था, कम से कम 40 साल की बात है, वो जो पहले कोटा चलता था मिट्टी का तेल भी होता था उसमें, अब तो खुद ही मिट्टी हो गया सब। तो उसमें जब नापते थे तो लीटर को कस के घुमाते थे तो 800 ml रहता था, पता चला कि 200 ml घट गया। ऐसा घुमाते थे लीटर, उसमें तेल बहुत, देखने में पूरा ऐसा घुमाया बीज का हिस्सा। उसने कहा सुनो 200 लीटर में हम 250 लीटर बनाते हैं। तो मैंने कहा बड़े कमाली आदमी हो लेकिन है हराम है। तो भैया एक बात समझ के रखिएगा कि अगर लीटर में घपला किया है गुनाह पड़ेगा। मैंने आयत पढ़ी, हमारी अपनी बात नहीं है इसीलिए मैंने अपनी छुट्टी ले ली है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नास यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। नाप या तौल कर देते हैं उसमें कमी कर लिया करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग बर्बाद हो जाएं। जब अल्लाह बर्बादी की बात कहे तो कामयाबी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो नाप तौल में तय करो, घटी अब नहीं करेंगे, बीच में घपला नहीं करेंगे। रेट अपना आपका है, कोई आदमी जो भी काम करता है वो नफा के लिए करता है। 60 में है कहो भाई 70 से कम में नहीं बेच पाएंगे, हम 75 रुपया लेंगे, तो कीमत बढ़ाना जायज है, नफा के लिए आदमी काम करता है, नफा लेना जायज है, लेकिन धोखा इस्लाम में जायज, नफा लेना हर चीज में जायज है, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझ ही से मोहब्बत किया। व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, आका फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो तय करो, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है,
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। देखते देखते उम्र कहां से कहां चली गई कुछ पता नहीं चला। अरे बोलो है कि नहीं, इसमें 30 वाले, 40 वाले, 50 और 60 और 70 वाले भी हैं, लेकिन पता नहीं चला। जिंदगी अपना काम कर गई है, सांसें खत्म हो रही हैं, चंद दिन कितने बाकी हैं इसका कुछ अता पता है नहीं। इस पर मैं कहा करता हूँ, मौत ने न जाने चुपके क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई कि आएगा दा और शाह और आकर चले गए, आएगा दा और शाह और आकर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए, वो ताख्त पर रहे ये रहे बोरिया नशी, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए, किस दर्जा कामयाब है फूलों की जिंदगी, दो दिन रहे बाहर दिखा कर चले गए, दो दिन रहे बाहर दिखा कर चले गए। तो अल्लाह ने फरमाया, जिसने बात मानी अल्लाह की और बात मानी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। कामयाबी है क्या चीज, कुरान ने दूसरी जगह कहा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहानिन्नारि व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जो दोजख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं, न जाने कितने सामने से गुजर गए, कितने चले गए, कितने जाने को तैयार, असल कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी ये है कि आदमी दोजख से बचाया जाए, जन्नत में दाखिल किया जाए। आदमी दुनिया में सारी जतन करता है, किसी तरह कोठी बंगला घर द्वार गाड़ी घोड़ा फलाना ढकाना सब अच्छी तरह हो जाए, हम लोगों में जरा सा उजागर हो जाए, लोगों में हमारी एक पहचान हो जाए, हम लोगों में आया रहे, ये आदमी सोचता है नहीं, कामयाबी ये नहीं है। बुजुर्गों ने तो यूं ही छप्पर में जिंदगी गुजार ली है, सादा खाना खा के जिंदगी गुजार ली है, सादे में जिंदगी गुजारी है, कामयाबी तो वहां की। बोलो भाई, तो कामयाबी क्या है, दोजख से बचाया जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए। अल्लाह ने फरमाया यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कितना मिल जाएगा, आदमी लाख कोशिश कर ले कितना मिल जाएगा। आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूँ, जन्नत में जो दीवारें हैं जन्नत की सोने चांदी की, आका ने इरशाद फरमाया, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, गारा मुश्को जाफरान का, और ऊंची ऊंची मसेहरियां जन्नत की दीवारों की मोटाई उसका मोटापा, सुबह से शाम तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे जब भी दीवार के मोटापे को पार न कर पाए, एक ईंटा सोने का दूसरा चांदी का, सारी जिंदगी की कमाई लगा दो एक ईंटे की कीमत तक पहुंचना कोई सवाल ही नहीं, अल्लाह ये सब अता फरमाएगा। अरे बोलो है कि नहीं, और न जाने कितनी चीजें हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल पर वहम गुमान उसका गुजरा नहीं है, ये सारी चीजें वहां तैयार हैं ईमान वालों के लिए। पूरा ईमान बचा के चलो, सारी नेमतें वहां हासिल हो जाएंगी, मिलेंगी। असल कामयाबी तो वो है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूअतुम व अक्वाबुम मौज़ूअतुम व नमारिक मस्फूफा, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, कितने ऊंचे, जब जन्नती खुद ही 60 गज का लंबा है जाहिर है वो तख्ते बहुत ऊंचे होंगे, एक दो नहीं न जाने कितने तख्ते होंगे, उसका पाया भी सोने चांदी का, उसकी पट्टियां भी सोने चांदी की, उसके पटरे भी सोने चांदी के, और उसके ऊपर जो गद्दा लगा है वो भी ऊपर दबीज रेशम हरे रंग का, नीचे भी दबीज रेशम हरे रंग का, और बीच में मुश्को जाफरान भरा हुआ है, ऐसे गद्दे मिलेंगे शमेरी सालत के परवानों। एक साहब कहने लगे, जब तमाम 70 हुरों का सामना होगा, गिलमान का सामना होगा, तो कैसे क्या होगा। मैंने कहा शर्मीले न बनो, शर्म तो दुनिया में करो, एक ही मोबाइल में पूरा घट ही जुटा पड़ा है, शर्म यहाँ करो, जन्नत में तो अल्लाह ने उसका इंतजाम किया है, शर्मीले न बनो, पहले पहुंचो वहां तक।
कहा कैसे? एक तख्ता होगा, उसके बीच में एक पर्दा पड़ा होगा, रेशमी पर्दा हरे रंग का होगा, और उसके बाद दूसरे तख्त के बीच में एक पर्दा पड़ा होगा, रेशमी पर्दा, हर हर दो तख्तों के बीच में एक एक रेशमी पर्दा, अल्लाह की अता का रेशम होगा वो पड़ा हुआ होगा हर हर दो तख्तों के बीच में। जब जन्नती चाहेगा आराम कर ले तो उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जन्नती का आराम का तकाजा खत्म हो गया, सोचा बैठ जाए आराम से ये वो, तो उन पर्दों को गिरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उन्हें गिराने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये चाहेगा पर्दे उठ जाएंगे और आराम का तकाजा होगा तो पर्दे अपने आप पे गिर जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो कुछ तुम्हारे जी में आएगा सब कुछ वहां मौजूद मिलेगा, वो अल्लाह की तैयार करदा जन्नत है, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तैयार की है। आधा घंटा हो चुका, 11 पे शुरू हुआ था, 41 मिनट हो गए। खुदावंद कुद्दूस इन कही हुई बातों पर हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।